अच्छी हो जाएगा। है ना, नीचे नीचे। और आप देखेंगे वहाँ कोने पे एक छोटा सा लॉक का सिंबल बना हुआ है, वो लॉक हो गया है ना। अब आप इसकी की ठीक है, और जिसने भी चलाया है उसने दो वेवलेंथ पर चलाया है, 280 नैनोमीटर पर और 215 नैनोमीटर पर चलाया है किसी ने, ठीक है। सो दोनों, जैसे मैंने बोला कि दिस इज ए ड्यूअल वेवलेंथ यूवी विजिबल डिटेक्टर, सो दो वेवलेंथ आप एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोनों के क्रोमेटोग्राफ दिखाएगा आपको, 280 पे भी दिखाएगा, 215 पे भी दिखाएगा। अब आप यू कैन कंपेयर डिफरेंस देख सकते हैं कि मेरा 280 पे जब मैंने चलाया तो मेरी पीक कहाँ आ रही, कितना उसका रिस्पांस आ रहा था। हो सकता है 215 पे कम रिस्पांस आए, 280 पे ज़्यादा आ जाए। लोग मेथड डेवलप कर रहे हैं जहाँ उनको मालूम ही नहीं कि पीक कहाँ पर आएगी, सो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है। लेट अस से जैसे मेरे पास कैफीन है, मुझे मालूम है कि 273 पर उसका मैक्सिमा आता है, जहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आएगी। अब अगर मैं उसको 210 पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये रिस्पॉन्स है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इसका जो एक पैरासिटामोल आपने बाजार से खरीद लिया, और बाजार से खरीदने के बाद आपके पास मेथड है और आपने उसको डाइल्यूट किया, फिल्टर किया, उसमें लगा दिया। अब वो आपको इसमें ये बता देगा कि इसमें कौन कौन से कंपाउंड है, इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए। जब आप सब यूएसपी के थ्रू जाएंगे मेथड में देखेंगे कि भाई मेरा ये पैरासिटामोल में लेटर से जो भी कंपोजिशन है, तो वो बता देगा कि इतना इतना है। अब आप देखो, एक दवा आप लेते हैं पैरासीटामोल ही समझ लो, एक 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 कंपनी दे रही है 50 पैसे की और एक दे रही है 5 रुपए की, तो काम तो आपको 85 रुपए मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जो 50 वाले हैं वो क्या है कि वो डोमेस्टिक लेवल कंपाउंड है, वो तो पहले का है। मैंने तो जस्ट आपको एक डेमो के तौर पे दिखाया, वो तो पहले का ऑयल है। मैंने तो एक कंपाउंड डालेंगे तो एक ही पीक आएगा, उसका कितना टाइमिंग है। हाँ, और जो देखो जितने टाइमिंग पे आता है वी से रिटेंशन टाइम, ठीक है, और उसका एरिया, यही दो पैरामीटर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि रिटेंशन टाइम भी अगर उल्टा पुल्टा आ रहा है तो मेरा जो है ना वो इसका मतलब हो सकता है वो पीक ही ना हो। जो हम देख रहे हैं, हमको पता है कि केफीन जो है ना मेरी 273 पर आती है, ठीक है, एक तो ये हो गया कि इस वेवलेंथ पे आती है, दूसरा मुझे पता है कि मेरा जो है ना जो वैलिडेटेड मेथड है 5 सेंटीमीटर का कॉलम लगा है, 1 मिनट पे पीक आती है। अब वो 1 मिनट पे ना आके लेटस से 2 मिनट पर आ गई, तो 2 मिनट पे क्या होगा कि 1 ml का मेरा फ्लो रेट है। अब जो मेरा फोर्स 1 ml का चला आ रहा है तो वो 1 मिनट पे निकलनी चाहिए पीक। इसका मतलब ये है कि वो फ्लो में कहीं गड़बड़ होगी, फ्लो इतना स्लो हो गया कि उसने पीक 1 मिनट पे ना निकाल के 2 मिनट पे दिया, क्योंकि बहुत स्लो हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा प्रेशर फ्लक्चुएशन है, पंप ठीक काम नहीं, वो प्रॉपरली नहीं हुआ। 20 माइक्रोलीटर मैंने डाला, 20 नहीं गया, 18 गया, 17 गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ आपका एरिया वेरी कर गया, तो वो एरिया वेरिएशन। एचपीएलसी में दो ही चीज़ें, रिटेंशन, एरिया, बाकी फर्दर कैलकुलेशन है।